नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप सब देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह को AK-47 मामले में सजा होने के बाद इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। 3 नवंबर को मतदान है। यहां से RJD से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। बीते बुधवार को नीलम देवी के प्रचार के लिए JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मोकामा पहुंचे। यहाँ वो जनता के सवाल में फंस गए। सवाल ऐसा था कि सुनकर ललन सिंह ने सीधा जवाब नहीं दिया और भागते दिखे। कहा जाता है कि राजनीति में सब कुछ संभव है, लेकिन जनता तो सवाल करेगी ही। जब ललन सिंह मोकामा में पैदल घूमकर प्रचार करने लगे तो एक व्यक्ति ने उनसे सवाल पूछ दिया, ललन सिंह जी, आप तो पिछले विधानसभा में बोले थे कि सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, तो फिर इस बार नीलम देवी के पक्ष में कैसे वोट मांगने आ गए? इस पर ललन सिंह तेजी से भागते हुए जवाब दिए, यह चुनाव अनंत सिंह नहीं लड़ रहे हैं, महिला चुनाव लड़ रही है, महिला के लिए वोट मांगने आए हैं। आगे एक और सवाल पर ललन सिंह जी, आप ही की वजह से मोकामा में उपचुनाव हो रहा है। नीलम देवी का आरोप था कि आपने ही अनंत सिंह को फंसाया था। इस पर ललन सिंह चुप्पी साधते हुए गाड़ी में बैठ गए। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह मुंगेर लोकसभा के सांसद बने। उस समय इनका मुकाबला यही नीलम देवी से हुआ था, जो अनंत सिंह की पत्नी है। RJD के टिकट से नीलम देवी मुंगेर लोकसभा से चुनाव लड़ी थी। मोकामा विधानसभा मुंगेर लोकसभा में आता है। ललन सिंह अनंत सिंह के कट्टर विरोधी रहे हैं। महागठबंधन के बाद कयास यह भी लगाया जा रहा था कि अनंत सिंह की पत्नी को टिकट देने के लिए ललन सिंह विरोध कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चर्चा यह भी थी कि ललन सिंह चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे, लेकिन वो मोकामा पहुंचे। कहा यह भी जाता है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। शायद यही वजह रही है कि ललन सिंह आपसी रंजिशों को भुलाकर अनंत सिंह की पत्नी यानी कि नीलम देवी के चुनाव प्रचार के लिए मोकामा पहुंचे हुए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।